ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉम होम आइडियाज 2020, ठीक है, ये हमारी इस वीडियो का टॉपिक है और इसमें मैं आपको बेस्ट बिजनेस मॉडल्स बताने वाली हूँ जो कि आप 2020 में फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी इनकम जनरेट करने के लिए, ठीक है, रियल बिजनेस मॉडल्स घर बैठे बैठे, मतलब थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन एंड अ लैपटॉप, आप इन सभी बिजनेस मॉडल्स को वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पर। और नोटिफिकेशन बेल हिट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल हिट नहीं करते तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो मेरा नाम है निशा और आप देख रहे हैं बेस्ट इनकम सीक्रेट्स, जिसमें मैं लाती हूँ आपके लिए वाकई बेस्ट इनकम सीक्रेट। ओके, तो ऑनलाइन बिजनेसेस फ्रॉम होम आइडियाज 2020, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है, मतलब 10 बिजनेस मॉडल्स हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप 2020 में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से देखो पहला बिजनेस मॉडल क्या है, पहला बिजनेस मॉडल है हमारा अफिलिएट मार्केटिंग। हो सकता है मोस्ट ऑफ यू, मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा इस मॉडल के बारे में, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है ये मॉडल, क्योंकि इसकी कई सारे एडवांटेजेस हैं इस मॉडल की। अफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, देखो वो एक मार्केटिंग होती है, मतलब एक तरीके की मार्केटिंग जिसमें कोई भी बंदा, वो कोई इन्वेंट्री होल्ड नहीं करता, कोई स्टोर होल्ड नहीं करता, वो उसका काम क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी कंपनी या थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसका ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है वो उसके साथ टाई अप करता है, उसका पार्टनर बनता है, एफिलिएट बनता है और उसके प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करता है, मार्केटिंग करता है उसके प्रोडक्ट की। वो मार्केटिंग कैसे भी हो सकती है, ऑनलाइन भी कर सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आप एफिलिएट बन जाते हो और आप मार्केटिंग स्टार्ट कर देते हो, आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें, ठीक है। आप मतलब डिपेंड नहीं करता आपके पास इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, अगर आप ऐसे भी अपने अफिलिएट लिंक के थ्रू अगर आप कुछ भी सेल कर देते हो किसी भी पार्टी, मतलब किसी भी थर्ड पर्सन को, तो आपको कमीशन मिलता है कंपनी की तरफ से। तो ये मॉडल है अफिलिएट मार्केटिंग। अब देखो, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बेस्ट मॉडल क्यों है, क्यों इतना अच्छा मॉडल है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको खुद कोई शॉप नहीं खोलनी, कोई स्टोर नहीं खोलना, आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं करना, आपने प्रोडक्ट सोर्स नहीं करने, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवानी है, आपका सिर्फ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होगा, मार्केटिंग पे। अब आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं मार्केटिंग, तो वो और अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग का की हेल्प लेते हैं तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, पता है। तो ये जो हमारी इंडस्ट्री रही है 2007 में, ये इंडस्ट्री हमारी करीबन 700 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो कि अब एक्सपेक्टेड है कि 2021 में यही इंडस्ट्री हमारी 6000 करोड़ की होने वाली है, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा हाई है देखो इसमें, और अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्वियसली बात है, अब इतनी बड़ी मार्केट होगी तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, है ना। इसलिए बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, ठीक है। अब देखो बिजनेस मॉडल टू, सेकेंड जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो है हमारा ब्लॉगिंग, ठीक है। ब्लॉगिंग भी आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लॉगिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है अभी। तो ब्लॉगिंग में क्या होता है, एक्चुअली ब्लॉगिंग में आप क्या करते हैं, आप एक पर्टिकुलर नीश चुनते हैं, ठीक है। ब्लॉगिंग एक्चुअल में देखो, ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग होता है कोई किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल कराना, ठीक है। ब्लॉगिंग में भी आपको, अगर आप नीश पे जाते हैं, ब्लॉगिंग की नीश पे, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सेलेक्ट आपने करी कैटेगरी, वो कैटेगरी चाहे हेल्थ हो, चाहे कुकिंग हो, चाहे कुछ भी है, आपने उसकी नीश में जाना है अगर आप ब्लॉग से अच्छा पैसा अर्न करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है ब्लॉगिंग के लिए, बहुत सारे ब्लॉग्स मतलब ऑलरेडी मतलब इंटरनेट पे डले हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स, ठीक है। तो उनके साथ अगर आपको कम्पीट करना है, तो आप अगर एक जनरल ब्लॉग अपना स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टफ रहेगा आपके लिए, आपको ईयर्स लग जाएंगे उसका एसईओ करके, उससे मतलब बाकी के जो ब्लॉग्स हैं उनके साथ कम्पीट करने में, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक नीश ब्लॉग चुन सकते हो, आपने भी पर्टिकुलर नीश मतलब कि एक छोटी सी कैटेगरी ली किसी भी चीज़ की और उस पर आपने ब्लॉग बनाया, और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्लॉग पे है वो गूगल को ये बता रही है कि यार एक पर्टिकुलर टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन है, ताकि गूगल तुम्हारे ब्लॉग को रिकमेंड करे कि यार इस ब्लॉग में तो इसी चीज़ के बारे में, तो ये ब्लॉग बहुत ही बेहतर ब्लॉग होगा, है ना। तो वो
उससे क्या होगा, तुम्हारे ब्लॉग का एसईओ अच्छा होगा। अब देखो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हें ओवरव्यू दे रही हूँ कि तुम्हें ब्लॉग अगर तुम स्टार्ट कर दो तो तुम्हें नीश ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अब नीश ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग क्या होती है, ये सब मैं डिटेल में अपनी आगे की आने वाली वीडियोज में बनाऊंगी। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल हिट कर लीजिए, ठीक है। और अब देखो ब्लॉगिंग से हम अर्न कैसे करते हैं, ब्लॉगिंग से थ्री काइंड्स ऑफ इनकम होती है हमारी, थ्री टाइप्स ऑफ इनकम होती है। पहली इनकम होती है हमारी ब्लॉगिंग से एडसेंस के थ्रू, जो एड्स हमारे ब्लॉग पे गूगल लगाता है, ठीक है, तो एडवर्टाइजर्स गूगल को पे करते हैं, गूगल हमें पे करता है। दूसरी इनकम होती है हमारी ब्लॉगिंग से अफिलिएट इनकम। अब देखो थर्ड टाइप ऑफ इनकम क्या है आपकी, स्पॉन्सरशिप। अगर आपका ब्लॉग अच्छा है, अगर वो रैंकिंग में आता है, वो पर्टिकुलर कैटेगरी को टारगेट, मतलब पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस है उसकी, आपके ब्लॉग की, जो उस ब्लॉग पे हर मंथ आ रही है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने, तो क्या होता है कंपनीज जो होती है वो आपके साथ टाई अप करती हैं, मतलब आपको स्पॉन्सरशिप देती हैं कि आप उन पर्टिकुलर कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अपने ब्लॉग में लगा के ब्लॉग को प्रमोट करो, वो सॉरी उनके उनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो अपने ब्लॉग में, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड बिजनेस मॉडल है वो क्या है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आज की डेट में हर कोई अवेयर है ई कॉमर्स से, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है ना हमारी, जो मतलब सेल्स और परचेज हो रहा है, ये ज़्यादातर हमारा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया है राधर देन ऑफलाइन। पहले तो ऑफलाइन सेल्स ज़्यादा होती थी, हमें भी दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, हर कोई प्रेफर करता है ऑनलाइन शॉपिंग। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फीजिबल रहती है लोगों के लिए, वो रिलायबल है, कन्वीनियंट है, ठीक है, घर बैठे बैठे आप कुछ भी सामान मंगा सकते हो आज की डेट में एट अ लेसर कॉस्ट, क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी मतलब डील्स आती रहती हैं ऑनलाइन। तो ये ई कॉमर्स मार्केट जो है ये बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना होता है, ई कॉमर्स है क्या एक्चुअल में, आप अपनी एक वेब प्रेजेंस क्रिएट करते हो थ्रू वेबसाइट, आप एक वेबसाइट बनाते हो जिस पे आप प्रोडक्ट्स डालते हो। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आप सोर्स कर सकते हो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर सकते हो आप। तो इसमें क्या होता है, लोग तुम्हारी वेबसाइट से सामान खरीदते हैं और तुम्हें तुम्हारी उसी से इनकम होती है। तो ये भी बहुत अच्छा मॉडल है ई कॉमर्स का। अब इसके लिए, इस पे भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि इसके लिए आपको कैसी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, अगर आप टेक्निकली साउंड नहीं है, आपको टेकी मतलब नॉलेज नहीं है वेबसाइट डेवलपमेंट की, डिजाइनिंग की, तो आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन है कि आप इसकी एक वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ईजी, बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स आ गए हैं वर्डप्रेस वगैरह, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो थ्री मॉडल्स हमारे हो गए, अफिलिएट हो गया, ब्लॉगिंग हो गया और ई कॉमर्स हो गया। अब हमारा जो फोर्थ बिजनेस मॉडल है वो क्या है, क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेस, ठीक है। ओके, मैं एक चीज़ आपको रिमाइंड कराऊंगी कि अगर आपको कोई भी क्वेरी है जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे डीएम कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम लिंक मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, या आप मुझे मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि आप कुछ भी कोई चीज़ जो उससे रिलेटेड समझ में ना आई हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस कर सकूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मेरा फोर्थ बिजनेस मॉडल था क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्सेज। देखो ये ऑनलाइन कोर्सेज की भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडस्ट्री। अब इसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि ये देखो स्पेसिफिक है टू एन इंडिविजुअल, कोई भी बंदा है जैसे आप ही हो, आपको इंटरेस्ट है कुकिंग में, आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, आपको बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स पता है कुकिंग के, जो बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं जिनसे आप बना सकते हो मतलब, तो आपके आपको क्या करना है, वो आपकी एक स्पेशलिटी है, आपका एक टैलेंट है, आपको आपको पता है उस चीज़ के बारे में, ए टू जेड सब कुछ पता है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकते हो। आप लोगों को जो भी मतलब नॉर्मली आप शेयर करते हो हर चीज़, उसको आप कोर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। कोर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, वीडियोज़ अपनी बनाओगे, ठीक है, एक प्रॉपर कोर्स बनाओ और उस कोर्स को आप सेल कर सकते हो ऑनलाइन। अब आपके पास खुद की वेबसाइट नहीं है, खुद का आप ट्रैफिक जनरेट नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उस कोर्स को ऑलरेडी जो ऐसी वेबसाइट्स हैं इंटरनेट पे जो कोर्सेज सेल करती है, जैसे यूडेमी हो गया, टीचेबल हो गया, आप इन पे अपने कोर्सेज को डाल सकते हो, ठीक है। और ये कोर्सेज मतलब जो भी आपका कोर्स होगा वो इन वेबसाइट्स के थ्रू सेल होगा, ठीक है। और होता क्या, ये जो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, क्योंकि आपको तो खुद अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी नहीं है, आपने अपना कोर्स इन वेबसाइट्स पे डालना है, तो ये वेबसाइट्स आपसे एक छोटा सा कमीशन चार्ज करती हैं कि ये आप, क्योंकि आप इनके थ्रू सेल कर रहे हो ना, इनकी हेल्प ले रहे हो, तो इनका प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, इनके रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण ये थोड़ा सा कमीशन चार्ज करती हैं और बाकी का अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं जितनी भी आपकी सेल्स होंगी उसके हिसाब से। अब देखो, अब जो हमारा फिफ्थ बिजनेस मॉडल है वो क्या है, ई बुक पब्लिशिंग या किंडल पब्लिशिंग भी कहते हैं हम।
तो देखो किंडल पब्लिशिंग आपने सुना होगा, आजकल किंडल बहुत ज़्यादा चल रहा है, अमेजोन पे ज़्यादातर लोग किंडल ई बुक्स ही पढ़ते हैं। तो उसमें करना क्या होता है आपको, आपको जो भी जिस भी चीज़ के पर्टिकुलर छोटे छोटे टॉपिक्स भी होते हैं उसमें, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए किसी टॉपिक के बारे में, ऐसा नहीं होता। छोटा सा कोई भी टॉपिक हो आपको उसके बारे में नॉलेज है, जैसे लेट सपोज कि आपको आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है, आपको पता है कि आप आयुर्वेदिक मतलब उससे मतलब नेचुरली हर्बल ट्रीटमेंट से आप क्योर मतलब कोल्ड एंड कफ कैसे क्योर कर सकते हो, जो भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एंड यूजर की, आपको उसके बारे में नॉलेज है। अब आप उसको क्या करते हो, ई बुक में कन्वर्ट कर देते हो, ठीक है। ऐसे टूल्स होते हैं जो जिसमें मतलब आपको क्या करना है, आपको एक पूरा अपना जो भी उसकी रेमेडी है, जो भी क्योर है, वो आपको पूरा लिखना है। इट कैन बी अप टू 10 to 15 to 20 पेजेस, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है जो आपको लगता है हाँ इफेक्टिव हो, फर्जी चीज़ें नहीं डालनी है, एक इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन देनी है उसके बारे में, और आपको उसमें एक कवर लगा देना है, ई बुक कवर। वो आप फ्री टूल से भी बना सकते हैं, कैनवा हो गया, भाई मतलब बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो भी मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वो आपने कवर लगाया और उसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं उस ई बुक को, ठीक है। आप अमेजोन पर सेल कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे, कई सारे उस पर आप उस ई बुक्स को सेल कर सकते हैं, और आप अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग के थ्रू भी ई बुक सेल कर सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू भी ई बुक सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी एक ई बुक है, मैं आपको अभी याद दिला देती हूँ, मेरी एक ई बुक है बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स टू फॉलो इन 2020, तो वो आप प्लीज़ डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड मतलब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो उसमें से वो मैंने खुद ई बुक डिज़ाइन करी है आप लोगों के लिए, मैंने बनाई है एग्रीगेटिंग ऑल दी यू नो बेस्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको एक इन्हीं बिजनेस मॉडल्स का मतलब एक ओवरव्यू मिल जाए कि किस में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और उसकी डिटेल में तो मैं आने वाली वीडियोस में बनाऊंगी। हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, देखो ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं। देखो अमेजोन क्या है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। अब उस मतलब अमेजोन में जो सेल कर रहे हैं वो कौन है, अमेजोन थोड़ा ना सेल कर रहा है, अमेजोन में सेलर्स हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है उस मार्केट प्लेस पर अपनी चीज़ों को सेल करने के लिए। कोई क्लोथिंग सेल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सेल कर रहा है, कोई किड्स के प्रोडक्ट सेल कर रहा है, ठीक है ना। तो आप ऑनलाइन सेलिंग में भी आ सकते हैं। मैं कहूँगी कि जो विदाउट इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए बिजनेस मॉडल सही नहीं है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगता है। हालांकि बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा ऑसम है अगर आप इसमें काम कर सकते हैं, अगर आप उसके बारे में आपको डिटेल्ड में नॉलेज है कि कैसे आप उसको करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस मॉडल है ना, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि आज आप स्टार्ट करोगे कल रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारी लर्निंग चाहिए, बहुत सारी नॉलेज चाहिए आपको, है ना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, और जितना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप करते रहेंगे, एक एक चीज मतलब आप करते रहेंगे, उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए, है ना, उतनी ही जल्दी आप सक्सेस इसमें गेन करेंगे, लेकिन पेशेंस आपको चाहिए चाहिए। हमारा जो सेवन बिजनेस मॉडल है वो हमारा क्या है, वो है डेवलप योर ओन प्रोडक्ट और सर्विस। अगर हम खुद का प्रोडक्ट और सर्विस डेवलप कर सकते हैं, अगर हम क्रिएटिव हैं, अगर हमारे पास अच्छे आइडियाज़ हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी मतलब कोई भी ऐसा आइडिया है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है दूसरे की, है ना, तो हम ये भी कर सकते हैं, हम खुद का ही प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं जो आज तक कभी किसी ने किया ही नहीं, जो बहुत ज़्यादा मतलब रेयरली मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा प्रोडक्ट आइडिया अगर हमारे पास है, या अगर हम क्रिएटिव हैं अपने ऑनलाइन मतलब अगर हम अपना खुद का कोई ऑनलाइन सर्विस बना सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या बनवा सकते हैं किसी से, किसी भी डेवलपमेंट कंपनी से अपना आइडिया शेयर करके, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमें सिर्फ अपना एक कस्टमर बेस बनाना होता है, ठीक है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट अपना मतलब टेस्ट करना होता है कि हमारा जो कस्टमर बेस है उसको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। लेकिन एक बार अगर हमारा कस्टमर बेस बन गया तो हमें सिर्फ इस प्रोडक्ट को, क्योंकि टेस्टिंग तो होगी, हमें सिर्फ अपने इस प्रोडक्ट को हमें स्केल करना होता है। स्केल हम कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला करके। अब वो ट्रैफिक हम YouTube चैनल से भी ला सकते हैं, कई सारी चीज़ों से ला सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 7, ठीक है। अब हमारा आता है पॉइंट नंबर 8 हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 8 है हमारा यूट्यूबिंग और बीइंग अ यूट्यूबर, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं तो भी आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर आ रहे हैं तो प्लीज़ तभी आइए अगर आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आपको ये लगता है कि हाँ आप किसी चीज़ की नॉलेज होल्ड करते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, जिससे आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं या आप हेल्प कर सकते हैं उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, है ना। क्योंकि अगर आप, क्योंकि यार देखो यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आप वीडियो डाल देंगे कल आप हिट हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो एक कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें भी,
एक प्रॉपर मतलब SEO होना वीडियो का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, है ना। तो अगर आप YouTube पे आ रहे हैं तो प्लीज़ तभी आइए अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने इस काम को लेकर के कि हाँ यार आप YouTube पे जाएंगे, आप वीडियोज़ बनाएंगे, आप एजुकेट करेंगे, आपको मज़ा आता है अगर इस काम में, तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर पैसा कमाएंगे। लेकिन आप अगर फ्रॉम दी डे वन आपकी इंटेंशन ये है कि यार मुझे पैसा कमाना है इसलिए मैं यूट्यूब पे जा रहा हूँ, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, तो फिर आप प्लीज़ इस ऑप्शन को कभी चूज मत करिएगा, ठीक है, आपको क्लियर कर देती हूँ। तो देखो यूट्यूब भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेन चीज़ देखो क्या है यार, यूट्यूब पे कोई भी बंदा कब आता है, जब उसे कुछ सर्च करना होता है वो कोई ना कोई चीज़ तो सर्च कर ही रहा होता है ना, कोई ना कोई मतलब अपना जो उसकी प्रॉब्लम है उसी के तो सोल्यूशन के लिए आता है, चाहे वो मतलब कुछ भी उसका टाइप किया हो। जैसे अगर कोई भी बंदा आता है कि हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम बैक पेन, अगर कोई ये टॉपिक सर्च कर रहा है यूट्यूब पर और वो वीडियो पर आ रहा है, तो उसकी इंटेंशन क्या है कि उसको एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि यार बैक पेन उसको ठीक करना है, इसलिए वो आ रहा है ना, वो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है अपनी प्रॉब्लम का। तो अगर आप यूट्यूब वीडियोज बना रहे हैं तो प्लीज़ ट्राई टू एड्रेस दी प्रॉब्लम्स ऑफ व्यूअर, ठीक है। आप ये कोशिश करिए कि आप अगर उसमें कुछ भी चीज़ बता रहे हैं तो वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। जैसे मैं ही हूँ, मैंने ये वीडियो बनाई है ना आपके लिए, तो मैंने आपके लिए क्यों बनाई है, ऐसी तो नहीं बना दी, रिसर्च तो करी होगी ना, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप आएँ, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ढूंढ रहे हैं बिजनेस के मतलब ऑनलाइन बिजनेसेस करने के तरीके, तो आप वो करें, आप वो स्टार्ट करें, और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपसे इसलिए बोलती हूँ कि जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें या कुछ भी करें, क्योंकि मेरा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि मैंने आपकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है ना, कि आपका जो इशू है वो आप इजीली उस चीज़ को मतलब कर पाएं, जो भी मतलब जो भी आप बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं आप वो कर पाएं, चाहे उसके लिए मुझे मतलब आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं कर रही हूँ ना। तो वही चीज़ है कि अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो इंटेंशन ये रखिए कि यार जो भी बंदा आ रहा है ना वहाँ पर, जो भी आपका कॉन्टेंट देख रहा है, वो मतलब वो हैप्पी हो रहा है आपसे कि यार चलो सही है, इस बंदे ने बहुत अच्छी मुझे ट्रिक बताई जो जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, है ना। तो उनके सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा आप व्यूअर के सेटिस्फैक्शन को मतलब पे ध्यान रखेंगे, उसके कंसर्न होंगे उसके लिए, उतना ज़्यादा यूट्यूब आपको आपके लिए कंसर्न रहेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि यूट्यूब भी उसी से खुश रहेगा जो उसके व्यूअर को खुश कर रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है वो है हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आज की डेट में। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में होता क्या है, आपको एक टीम हायर करनी होती है लोगों की जो कि डिजिटल मार्केटिंग में मतलब जो जिनको डिजिटल मार्केटिंग करनी आती हो। अब वो डिजिटल मार्केटिंग क्या हो सकती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है, एडवर्ड्स भी हो सकता है, दैट इज़ गूगल PPC कैंपेन्स रन करना आता हो, और या फिर आपको अगर फेसबुक एड्स रन करना आता हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, अलग अलग ये डोमेन्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो इन सब पे अगर आपको काम करना आता है, अगर आपको खुद काम करना आता है तो ठीक है, नहीं तो आप टीम भी हायर कर सकते हैं लोगों की जो क्या करेंगी एक्चुअल में, वो क्लाइंट से प्रोजेक्ट उठाएंगी, क्लाइंट के लिए आप काम करोगे। क्लाइंट क्या होगा, कंपनी होगी आपकी, कोई भी जैसे नया स्टार्टअप है, आप कहोगे कि यार हम आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके लिए मैनेज करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, फेसबुक अकाउंट हो गया, यूट्यूब हो गया, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको प्रोजेक्ट देगा और फिर आप उस पर काम करोगे, उसके लिए उसके जो मतलब उसकी मार्केटिंग हैंडल करोगे, उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप हैंडल करोगे, उसके बाद वो आपको पे करेगा एट द एंड ऑफ द मंथ या जो जैसा भी आपका एग्रीमेंट है, मंथली क्वार्टरली जो भी है, ठीक है ना। तो ऐसे आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग देखो बहुत ज्यादा मतलब आज की डेट में बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है अगर कोई भी बंदा, उस बंदे के लिए मतलब जो बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहता, मतलब कि क्योंकि देखो बिजनेस स्टार्ट अगर तुम्हें करना है तो उसके लिए टाइम चाहिए, एफर्ट चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, हर चीज़ चाहिए। और कई लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी जॉब करते होंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब करते हैं या जो बिजनेस करते हैं या जो सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने की या फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की, मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मुझे ये भी बताना कि आपको समझ में आ रही है वीडियो या नहीं आ रही है, अगर समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, वहाँ DM कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपकी क्वेरीज़ जो हैं वो मुझे पता लगनी चाहिए और तभी होगा कि मैं तभी ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको एड्रेस कर सकूं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कोशिश करूंगी उनको एड्रेस करने की, ठीक है। तो हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग की। देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है, एक्चुअली में फ्रीलांसिंग है क्या, फ्रीलांसिंग एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, मतलब एक फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मतलब कोई कंपनी से आपका टाइप नहीं होता, मतलब आप यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनी कंपनी, रादर यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ, है ना। आप अपने लिए काम कर रहे हो और किसी और
मतलब जो भी क्लाइंट है आपका, आप सिर्फ उसके लिए काम कर रहे हो, डायरेक्ट आप पर्सन के कॉन्टैक्ट में हो, आप किसी कंपनी के अंडर में काम नहीं कर रहे। मतलब आपके लिए ये फ्रीडम होता है कि आप जब मन चाहो आप तब काम कर सकते हो। बस आपको एक ड्यूरेशन होगी कि जो भी आपके साथ क्लाइंट का टाई अप होगा कि आपने उसका प्रोजेक्ट विद इन अ वीक देना है या विद इन अ मंथ देना है, ठीक है ना। तो वो उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस हिसाब से काम करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप कितने आवर्स काम करते हो, आप दिन में काम करते हो, रात को काम करते हो, आपको अपने ऑफिस से काम करना है, आपको अपने घर से काम करना है, तो आपके पास पूरी फ्रीडम होती है उस चीज़ की। बस आपको जो भी प्रोजेक्ट होता है क्लाइंट का, वो उसको टाइम पर डिलीवर करके देना होता है। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियोज में, हो सकता है मैं फ्रीलांसिंग पर या उसके पर्टिकुलर जो भी सर्विसेज आप दे सकते हो फ्रीलांसिंग के थ्रू, उस पर एक वीडियो बना सकती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरे हिसाब से वही होने वाली है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी हिट करिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो, मतलब यही था इस वीडियो के लिए मेरा, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगी और बेहतर मैं कंटेंट आपके लिए लाऊँ। जो भी मैंने इसमें आपको डोमेन्स एक्सप्लेन करे अभी वो शॉर्ट में कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत लेंदी हो जाती है और आप खुद ही ज़्यादा मतलब आप बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने मतलब इतना डिटेल में नहीं एक्सप्लेन किया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक बिजनेस मॉडल पे डिफरेंट वीडियोज़ पे बना के लाऊँ, इंडिविजुअल वीडियो बना के लाऊँ, और उसमें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँ उसके बारे में, ठीक है। विद मतलब मैं आपको इवन दिखाऊँ, ठीक है, लाइव मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ पर कि कैसे आप अकाउंट बनाते हो, कैसे आप रजिस्टर करते हो। इसमें तो मैंने कुछ भी लाइव मतलब कुछ भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज़ नहीं करी है, लेकिन उसमें मैं आपको दिखाऊंगी विद माय ओन लिमिटेड स्क्रीन, मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप काम ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, प्लीज़ इसको शेयर करिएगा। अगर किसी और को उसकी ज़रूरत है, आपको लगता है कि ये किसी और के लिए बेनिफिट पहुँचा सकती है किसी और को, और बस इतना ही था इस वीडियो में। मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में अपनी ई बुक का, तो वो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, वो मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें मतलब यही चीज़ मैंने एक ई बुक के फॉर्म में वहाँ पे दे रखी है। तो हो सकता है आप वीडियो में काफ़ी चीज़ें भूल गए होंगे या वो, तो उससे आप रिवाइज़ कर सकते हैं एक बार कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, जो रियल बिजनेस मॉडल्स हैं यानी कि लेजिट बिजनेस मॉडल्स, ठीक है। वो ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं जिनको फॉलो करके आज की डेट में लोग मिलियंस कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो वही आप भी मतलब उसको पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ कोई भी क्वेरी हो तो मुझे DM करिएगा इंस्टाग्राम पर, मुझे कमेंट में बताइएगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, ठीक है। अब मैं होप करती हूँ कि हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, उसमें मैं आपके लिए और अच्छे बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगी, ठीक है, सीक्रेट्स लाऊंगी इनकम जनरेट करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइज़।